मेरे साथ हमारे जिला पश्चिम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं भाई साहब भी साथ हैं, हमारे उनका पार्टी मंडल तिवार के हमारे उपाध्यक्ष साथ हैं और अन्य जो हमारे मित्रगण हमारे साथ हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय आप सब लोगों के समक्ष आम जनमानस तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में एक बयान जो है वो बहुत बड़ा वायरल हुआ है, श्री राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली में, उनकी स्टेटमेंटें हर बार जो हैं वो एडवर्स जाती हैं और अगेंस्ट किसी न किसी के खिलाफ जाती है। अब उनका वो हम यूँ कहें कि इतनी बार संसद में जाने के बावजूद और इतने बड़े घर से होने के बावजूद जो एक समाज को संगठित और देश को आगे बढ़ाने वाली सोच होनी चाहिए उसके अगेंस्ट उनका हर बार इस तरह का सिलसिला बरकरार रहता है। मुझे कई बार बड़े हास्यास्पद लगता है कि माननीय राहुल गांधी जी जो है वो पता नहीं उनको क्या फोबिया है कि वो ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं और ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर बैठते हैं जो उनके गले की फांस भी बनती है। आपने देखा होगा कि जब जब वो विदेश जाते हैं तो उनमें एक विदेशी की आत्मा आ जाती है और वो हिंदुस्तान को भूल जाते हैं। वो जो उनका इटालियन वो है वहाँ की पृष्ठभूमि रही है शायद वो कारण हो सकता है, या जो पंडित नेहरू जी का जो यूरोपीय कंट्रियों के प्रति प्यार था शायद वो आ जाता होगा, या पूर्व के हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह रहा है विदेशों की तरफ राजीव गांधी जी का शायद उनमें वो आता होगा। कारण क्या है वो हम लोगों को समझ नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ कई जगह FIRें भी करवाई हैं और यहाँ चंबा में भी हमारे जिला के अध्यक्ष साहब ने जो है वो FIR करवाई है। कारण सिर्फ एक है, उन्होंने कहा है कि हम संविधान में ऐसी व्यवस्था करेंगे या हम चाह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो इस हिंदुस्तान से हटे। आपने देखा होगा कांग्रेस को अगर ज्यादा सपोर्ट करा है आज तक, जो 57 साल कांग्रेस ने दिल्ली में शासन किया और हिमाचल में भी इन्होंने लगभग 55 साल जो एकमुश्त शासन किया है 79 सालों में आजादी के, वो इन्होंने शेड्यूल कास्टों OBC अल्पसंख्यकों के नाम पे ही उनको ठग के उनके साथ छल करके ही ये किया है। लेकिन जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है वो अभी आप लोगों के सामने व्यक्त हो गया है। मैं पीछे देख रहा था, चाहे वो 52 का चुनाव हो, 1952 का या 54 का चुनाव हो, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी शिकस्त खानी पड़ी थी तो वो भी पंडित नेहरू जी की जो उस टाइम पॉलिसी थी अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट और एक दलित के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र रहता था वो उस टाइम भी मुखर होकर के सामने आया। आपने देखा ही है कि अंबेडकर साहब इतने प्रताड़ित हुए हैं उनके टाइम में कि जब वो अपने मतलब बहुत मृत्यु के नज़दीक थे या उन्होंने जब अपने राजनीतिक जीवन को वो वाइंड अप कर रहे थे तब उन्होंने इवन हिंदू धर्म तक छोड़ दिया था और बुद्धिस्ट उसमें चले गए थे। वो यही कारण था कि कांग्रेस के अंदर जो शेड्यूल कास्टों के प्रति और जिस तरह से उनका रवैया रहा है, कभी हरिजन बना करके, कभी दलित बता करके, कभी महादलित बना करके, कभी शोषित पीड़ित वंचित इस तरह के शब्द करके वो हमारे लोगों को वो गुमराह करते रहे हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया पूरे हिंदुस्तान में कि इन्होंने जो अमेरिका में अभी हाल ही में जो जो वर्जन दिया है कि हम लोग जो हैं वो ये आरक्षण हटा देंगे आने वाले समय में, तो ये मुखालफत हम सब लोग जो अनुसूचित जाति परिवारों से, अनुसूचित जनजाति परिवारों से, शेड्यूल ट्राइब OBCs और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं सब ने विरोध किया है और FIRें भी लॉन्च की हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए हमने रखी थी कि चंबा के हमारे दलित भाई, मैंने तो चुराह में भी देखा है, चंबा सदर में देखा है, भटियात में देखा है, ज़्यादातर जो हमारे शेड्यूल कास्ट परिवार हैं वो इनको पिछले 70-72 सालों में गुमराह ही करते रहे। आपने देखा, मैंने भी जब चुनाव इस बार तीसरा जब चुनाव लड़ा तो जातिवाद जो है वो हमारे लोगों में फैलाया गया, कहा गया कि हमारी सजातीय व्यक्ति जो है वो इसमें लड़ रहा है, जबकि मैं खुद शेड्यूल कास्ट परिवार से चुनाव लड़ता हूँ, SC होने के नाते रिजर्व